नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रदीप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं जो यामाहा ने जनवरी मंथ में कितनी बाइक बेची हैं। हम सिर्फ आज टॉप 5 बाइक के बारे में बात करेंगे जो यामाहा की तरफ से बेची गई हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको जानकारी मिलेगी। हो सकता है कोई काम की जानकारी आपसे छूट जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले अगर हम 5th नंबर से हम बात करेंगे और इसमें जितनी भी बाइक्स होंगी उनका जो एक्चुअल जो प्राइस है वो एक्स शोरूम के हिसाब से बताया जाएगा। हो सकता है आपके यहाँ पर आपके एरिया में जो प्राइस जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। जो जो अपने यहाँ के एरिया के RTO चार्जेस हैं उसको जोड़कर आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितना आपको वो बाइक वहाँ पर पड़ने वाली है। तो जो 5th नंबर पर आई है बाइक, उसका नाम है यामाहा FZ25। ये 250 CC की बाइक है। तो इसकी जो है 998 यूनिट जो है 998 यूनिट जो है बेची गई हैं। तो ये नई लॉन्च हुई है 250 CC में यामाहा के पास में। तो इसमें जो आपको है ये 250 CC का इंजन है और 35 लीटर तक का आपको माइलेज मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल गियर बस के साथ में। और ये 1,65,000 की आपको मिलती है, मतलब मिलना स्टार्ट हो जाती है और हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा सा हो तो इस हिसाब से आप समझ लेना, नहीं तो आप कमेंट में कहने लगो कि ये आपने पैसे कुछ और बताए थे और यहाँ पर और कुछ रुपए में मिल रही है। तो जो 4th नंबर पे है वो सबकी चाहिए थी R15। इसकी जो है 6,146 यूनिट जो है अभी बेची गई हैं और इसका बहुत जल्द जो है नया वर्जन लॉन्च होने वाला है जिसको अपन लोग वर्जन 4 कहेंगे। और वो देखने में पहले से ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। और ये जो है 155 CC में जो है बाइक आती है और अच्छे से 40 से 45 तक का माइलेज आराम से दे देती है और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में। और ये लगभग लगभग आपको 2,02,000 से लेके 2,25,000 तक की पड़ेगी और इसमें ABS वगैरह सब कुछ आने वाला है और बहुत ही अच्छी बाइक होने वाली है। कई लोग इसका वेट कर रहे होंगे, अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। फिर तो उसके बाद में आती है यामाहा की तरफ से आने वाली एक स्कूटी जिसको फसिनो कहते हैं। वैसे ये एक हाइब्रिड स्कूटी है जिससे इसका माइलेज जो है थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। ये 125 CC की स्कूटी है जिसमें 50 का 40 से मतलब 45 से 50 तक का माइलेज आपको मिल जाता है और ये 90,000 से स्टार्ट होके 1 लाख तक की जाती है। मतलब इसमें अच्छा खासा आपको पैकेज मिल जाता है और माइलेज भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो इसकी यूनिट की, तो इसमें 6,221 यूनिट जो है इसकी जनवरी मंथ में बेची गई है। और फिर उसके बाद में आ जाती है यामा की तरफ से आने वाली एक और स्कूटी जिसका नाम है RXZ। वैसे ये थोड़ी फसीनो जो थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, इसमें कर्व वगैरह और इसके जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। और लेकिन इसमें सेम इंजन ही मिलता है 125 CC का जो फसीनो में ही आता है और इसमें 45 से लेके 50 तक का आपको माइलेज क्लेम मिलेगा और ये 95,000 से स्टार्ट हो जाती है और 1 लाख तक की जाती है। अगर इसकी सेल्स की बात करें तो इसकी 7,030 यूनिट जो हैं जनवरी मंथ में बेची गई हैं। और इसके बाद में 1st नंबर पे आती है इनकी चहेती बाइक FZ। ये FZ जो है ये 150 CC में है और जो 5th नंबर पे हमने FZ बताई थी वो 250 CC में। तो FZ FI है जो कई लोग जो है इसके दीवाने हैं वैसे तो, और बहुत ही लोगों को पसंद आती है तभी तो इतनी बिक रही है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स है 15,734 यूनिट जो है इसकी जनवरी मंथ में बेची गई हैं और इसमें 150 CC की जैसे बाइक है मैंने आपको बताया और 40 से लेके 45 तक का आपको माइलेज मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में और 1,30,000 से स्टार्ट होकर 1,45,000 तक इसकी प्राइस जो है जाती है। ये जो मैंने इसमें आपको प्राइस बताई है वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो क्योंकि आपके यहाँ पर आपके शहर में तो अलग हो सकता है और किसी और शहर में टैक्स और चार्ज अलग हो सकते हैं। वैसे आपको ये मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।